आगे लगाऊं, देखो एक गियर डाउन किया मैंने, देखा अपने ऐसे झटका मारती है बाइक, इसलिए आवाज आ रही है ना, मतलब बाइक को दूसरा गियर चाहिए। अब मैं जैसे ही दूसरा गियर डालूंगा बाइक की आवाज बंद। ये किया क्लच दबाया, ये ऐसे किया पीछे को और क्लच के साथ साथ ठक ठक ऐसे करके, ऐसे में बाइक बंद हो जाती है। आपको ये अगर एक गियर डाउन करना है ना तो कम से कम मुझे 30 की स्पीड पे लाना पड़ेगा। देखो 30 की स्पीड पे आया, देखो एक गियर डाउन की आवाज़ नहीं आई और ये बाइक भी देखो बिना झटका मारे चल गई। चलिए अब मैं देखो पाँव से गियर को डाउन कर लिया और भैया न्यूट्रल हो गया। अब देखो क्लच भी छोड़ दूंगा तो मेरी बाइक बंद नहीं हुई है, ये सही तरीका है। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करेंगे गियर शिफ्टिंग को लेकर के। बहुत सारे भाइयों के माइंड में डाउट था भाई गियर शिफ्टिंग को लेकर के, कि गियर को कब डाउन करना है, क्लच कितना छोड़ना है, रेस कितनी देनी है, ओवरऑल भाई इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारे डाउट थे भाइयों के मन में, जो कि भाई अच्छी बात भी है। अगर आप किसी नई चीज़ को सीखते हो ना तो आपके मन में डाउट आते हैं तो मतलब आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, और अच्छी बात है भाई आपके मन में डाउट आ रहे हैं, आप पूछो मैं उनको क्लियर करता जाऊंगा। और भाई बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं कि वो बाइक अब सीख चुके हैं। तो भाई आज बात करते हैं गियर शिफ्टिंग के बारे में। ओवरऑल भाई मैं आपको बताता हूँ कि कितने की स्पीड पे आपको गियर चेंज करना चाहिए और गियर चेंज करने का सही तरीका क्या है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम प्रॉपर तरीके से गियर शिफ्टिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या मेथड है, राइट मेथड जिसको हम बोलते हैं गियर को चेंज करने का, गियर को शिफ्ट करने का। पहले हम अप शिफ्ट के बारे में जानेंगे कि हम जब गियर को बढ़ाते हैं 1 2 3 4 करके, उसके बाद दूसरे मेथड में हम जानेंगे गियर को डाउन करने का, मतलब कैसे हम गियर को डाउन करते हैं, निकालते हैं छोटे गियर की तरफ को, ठीक है। इन सब चीज़ों से पहले भाई एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सबको भाई बहुत बहुत थैंक यू, जो भी प्यार भाई, जो भी सपोर्ट आप लोगों ने आज तक मुझे दिखाया, बहुत बड़ी बात है भाई। क्योंकि भाई मेरा काम था सिर्फ वीडियो को बनाना, बट उन वीडियो को प्यार देना आपने किया भाई, मेरे काम को पसंद आप लोगों ने किया, तो भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि एक सिंपल सा लौंडा जिसने एक वीडियो बनानी शुरू की उसको भाई इतना सपोर्ट, इतना प्यार आप भाई लोगों ने दिया, भाई बहुत बहुत थैंक यू इस बात के लिए। और भाई बहुत सारी चीज़ों में ना कमेंट आते हैं कि भाई आप फेस रिवील नहीं करते, फेस दिखाओ। भाई मेरा भी शुरू में माइंड था कि मैं फेस दिखा के वीडियो बनाऊं, क्योंकि जितना मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाता शायद उतना ही अच्छा होता मेरे लिए, उतनी अच्छी वीडियो बन पाती। बट आप लोगों ने नोटिस किया होगा भाई मैं वीडियो में ना अकेला ही होता हूँ, है ना। आप कभी भी नोटिस करना मेरे साथ कोई बंदा नहीं होता, अभी भी भाई देख लो मेरी पीछे वाली सीट पर भी कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और भाई अकेला ही शूट करना पड़ता है, तो जिसमें ना फेस दिखाना मुश्किल हो जाता है। मतलब कैमरे को या तो फिर मेरे को सामने रखना पड़ेगा, फिर उसके लिए भी एक पर्सन चाहिए, ऐसा भाई पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसके कारण ना मैं फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट भाई आई प्रॉमिस जिन जिन भाइयों ने भाई इतने टाइम से प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उन भाइयों के लिए करना तो बनता है ना। तो भाई बहुत जल्द मैं पहले कुछ अपना एक सपना, बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, उस चीज़ के साथ आपके सामने आऊँगा और उस दिन हम सामने से फेस टू फेस बात करेंगे। बट भाई उस एक दिन का मेरे को भी बहुत टाइम से इंतज़ार है, एक बहुत बड़ा सपना भाई उस दिन पूरा हो जाएगा हमारा, उस दिन भाई हम साथ में बात करेंगे। और भाई बहुत बहुत थैंक यू यार, आपको जितना मैं बोलूँ ना भाई उतना कम है, क्योंकि जो हो आप लोग ही हो। शायद मैं आज इतनी सारी वीडियो बना भी ना पाता, या फिर जितने मैंने अपने चैनल पर मतलब अभी तक वीडियो बनाई है ये मैं अभी तक बना भी नहीं पाता अगर आप लोग ना होते। भाई बहुत सारे भाई लोग हैं जिन्होंने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, बहुत बहुत थैंक यू यार। आप सब ना होते तो शायद मैं भी वीडियो बनाने भी ना आता और मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलता कि मैं कुछ करूं आगे। तो भाई जो भी हो मेरे लिए तो आप सभी हो, यहाँ पे मैं आया हूँ वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए आया हूँ। तो भाई प्लीज़ कुछ टाइम अगर वीडियो नहीं आती तो प्लीज़ चैनल को छोड़ के मत जाया करो, आप सबके लिए हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है भाई, बट जो भी डाउट्स होता है आपको वीडियो को लेकर के ज़रूर पूछा करो भाई। ऐसा कभी नहीं गया कि मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया होगा, हमेशा किया है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गया जिसके कारण मैं नहीं कर पाया, और भाई आपके जो भी डाउट होते हैं उनको मैं हमेशा क्लियर करूँगा, ठीक है। तो भाई एक बार फिर से बहुत बड़े वाला थैंक यू आप सभी को, आप सभी की वजह से आज मैं शायद दोबारा यहाँ पर वीडियो बना पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए,
थैंक यू भाई। तो भाई अब बात करते हैं आज की वीडियो की गियर शिफ्टिंग को लेके। जैसे मैंने आपको बता दिया भाई कि प्रॉपर वे क्या होता है गियर शिफ्टिंग का, दो टाइप से हम भाई गियर शिफ्ट करते हैं। एक तो होता है भाई हम जब बाइक को बढ़ाते हैं, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, ठीक है। और दूसरी गियर शिफ्टिंग होती है भाई वो है डाउन शिफ्ट में, मतलब जब हम गाड़ी को रोकना चाहते हैं, बाइक को रोकना चाहते हैं, तब हम गियर को कैसे डाउन करें। ये दो अलग अलग वीडियो में बन सकता था, पर भाई मैं आपको एक ही वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से समझा दूंगा, जिससे आपको अलग अलग वीडियो देखने की कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। पहले बात करते हैं भाई अप शिफ्ट के बारे में। जब हम बाइक को बढ़ाते हैं तो हमको कैसे शिफ्ट करना है। यहाँ पर भाई आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसमें गियर की स्पीड सेट कर रखी है भाई मैंने। इस स्पीड से भाई हमारे गियर शिफ्ट होते हैं, मतलब पहला गियर इतने पे चलता है, दूसरा, तीसरा, हम चौथा इस पे डाल देते हैं। उसके बाद डाउन के बारे में भाई मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार आपने लिस्ट देख ली, उसके बाद गियर को बढ़ाते हैं, ठीक है। गियर का भाई सभी को पता है मेरे पास भाई हीरो स्प्लेंडर है, इसमें चार गियर होते हैं जो सारे भाई पीछे को डालते हैं। यहाँ पे भी भाई दिखा रखा है, देखो चार गियर होते हैं भाई इसमें, और सारे के सारे गियर भाई पीछे की साइड को डालते हैं ऐसे करके। और गियर को अगर मेरे को डाउन करना होगा तो मैं पाँव से ऐसे आगे की तरफ को डाउन करूँगा, ठीक है। तो अब गियर शिफ्टिंग क्या देखते हैं कि हमको कौन सी स्पीड पर कौन सा गियर डालना है। पहले तो हम बाइक को स्टार्ट करेंगे भाई, एक वीडियो पहले भी बना रखी है गियर शिफ्टिंग को लेके, आप उसको भी देख लो, आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई मैंने रेस दी, क्लच दबाया, पहला गियर देखो भाई जीरो से स्टार्ट करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, देखो पहला गियर। अब भाई स्पीड देखो भाई 10-15 के बीच में आ गई। अब मेरी को दूसरा गियर डालना है, अगर मैं स्पीड में ना देखूँ तो मेरी बाइक की आवाज़ देखो, आवाज़ आ रही है ना, मतलब बाइक को दूसरा गियर चाहिए। अब मैं जैसे ही दूसरा गियर डालूंगा बाइक की आवाज़ बंद। ये किया, क्लच दबाया, ये ऐसे किया पीछे को, और क्लच के साथ साथ रेस भी देनी है, अगर रेस नहीं दोगे तो बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, रेस के साथ साथ, मतलब क्लच छोड़ने के साथ साथ रेस भी देनी है, ठीक है। दूसरा गियर देखो, आप देखो भाई फिर 30 पे आ गई, फिर बाइक आवाज़ करने लग गई। देखो आप या तो स्पीड देख लो या बाइक की आवाज़ देखो। अब मुझे फिर से वही करना भाई गियर शिफ्ट, सेम प्रोसेस भाई, क्लच दबाया, तीसरा गियर डाला, ये देखो। अब भाई ये मेरी बाइक 40 और 50 के बीच में ही आवाज़ करेगी, देखना। अब देखो फिर भाई आवाज़ करने लगी भाई, देखा आपने, आवाज़ देखो। यही चीज़ समझा रहा था भाई मैं आपको, इसमें भी भाई सेम चीज़ करनी है हमने, जैसे हमने पहले प्रोसेस में किया, क्लच दबा के ये गियर को डाउन किया और ये आगे को निकल गया। अब भाई हमारी बाइक फ्री हो चुकी है, मतलब अब हम अपनी स्पीड को देखो बढ़ा भी सकते हैं और ऐसे करके घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब हमारा सारा काम हमारे रेस वाले हाथ का है, मतलब इस हाथ में हमारा सारा भरकम है। अगर आप जितना हम इसको घुमाएंगे हमारी बाइक आगे जाएगी, जितना हम इसको कम करेंगे हमारी बाइक एक जगह में, मतलब धीरे से चलने लग जाएगी। हम आपको बताता हूँ गियर शिफ्टिंग डाउन शिफ्ट कैसे करनी है। मान लो भाई मेरी बाइक 40-50 पे है, ठीक है। अब मैं अपनी बाइक का अगर गियर ऐसे में डाउन करूँगा ना तो मेरी बाइक बहुत तेज़ आवाज़ करेगी, ये सही तरीका नहीं है। पहले बाइक की स्पीड को गियर के हिसाब से सेट करो। देखो अब मुझे अगर एक गियर डाउन करना है ना तो कम से कम मुझे 30 की स्पीड पर लाना पड़ेगा। देखो 30 की स्पीड पर आया, देखो एक गियर डाउन की आवाज़ नहीं आई, और ये बाइक भी देखो बिना झटका मारे चल गई। वहीं भाई अगर मान लो मेरा चौथा गियर होता, देखो चौथा गियर डाला मैंने, और मैं 20 की स्पीड पर आके एक गियर डाउन कर रहा हूँ ना, देखो एक गियर डाउन करूँ फिर बाइक बंद हो जाएगी, देखो झटका मार के एकदम से बंद हुई भाई। जो कि ना अगर ऐसे में अगर चलती रोड में बंद होगी ना आपसे, तो आपको पता है कि आप पीछे वाले से टकरा भी सकते हो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। गियर को जब भी डाउन करोगे तो स्पीड के हिसाब से डाउन करोगे। अगर 30 मतलब एक गियर डाउन करना है, तीसरे गियर पे लानी, तो मोस्टली अपनी बाइक को 30 की स्पीड पे ले आओ भाई, जिसके बाद आपकी बाइक बंद भी नहीं होगी और आवाज़ भी नहीं करेगी। और भाई अगर आप रुकना चाहते हो तब आपको अपना गियर डाउन करना है, तो उसके लिए भी भाई एक सॉल्यूशन है। देखो पहले बाइक को आगे बढ़ाते हैं, देखो अगर आपने रुकना है उसके बाद सारे गियर डाउन करना है। देखो भाई मेरी बाइक में चौथा गियर है, मैंने सारे डाल दिए पीछे को, चौथा गियर है। अब भाई रुकते वक्त गियर कैसे डाउन करना है, ये मैं रुका, ठीक है। जैसे मेरी बाइक रुकने वाली है, अब मैं देखो पाँव से गियर को डाउन कर लिया, अब ये न्यूट्रल हो गया। अब देखो क्लच भी छोड़ दूंगा तो मेरी बाइक बंद नहीं हुई है, ये सही तरीका है। अगर मैं चलते चलते गियर को डाउन करूंगा तो मेरे गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी भाई, ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं आपको अभी भी दोबारा बताता हूँ भाई, देखो अगर आपको बाइक को रोकना है तब आपको गियर शिफ्टिंग तब करनी है जब आप बाइक को प्रॉपर रोक लोगे, उसके बाद आप धीरे धीरे करके गियर को शिफ्ट कर सकते हो। बट वहीं भाई अगर आपको
चलते चलते में एक आधा गियर डाउन करना है तो स्पीड भी कम करनी पड़ेगी गियर के हिसाब से। ये बात आप हमेशा नोटिस करो। और कैसे स्पीड कम करनी ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई बाइक स्टार्ट है, अब मैं आपको बताता हूँ कि गियर को डाउन कैसे करना है। ठीक है, चलते हुए देखो पहला गियर डाला, फिर से देखो 10 की स्पीड पे आई, दूसरा गियर डाला, देखो क्लच दबा के, फिर से ये 30 की स्पीड पे जाके तीसरा गियर मांगेगी। देखो अब मेरे को फिर से क्या करना है, क्लच दबा के गियर डाला, फिर से देखो नॉर्मल। अब भाई जैसे ही हमारी बाइक 40 से 50 की स्पीड पे आती है, सेम प्रोसेस भाई, क्लच दबा के गियर को निकाल दो। ठीक है, जब आप भाई क्लच को ऐसे रिलीज़ करोगे ना, उसके साथ साथ रेस भी देनी है आपको, याद रखना। जब आप क्लच को ऐसे करके छोड़ोगे ना, तब साथ में आपको रेस भी देनी है। अगर आपने क्लच को ही छोड़ा और रेस नहीं दी, तो कुछ टाइम बाद बाइक बंद भी हो जाएगी। और छोटे गियर पे रहोगे भाई अगर दूसरे पे, तो बाइक वहाँ पर ही बंद हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ स्पीड के हिसाब से गियर को कैसे डाउन करना है। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड में चल जाते हैं भाई पहले। ठीक है भाई, इतनी स्पीड है ना। अब देखो, अब मेरे को अगर एक गियर डाउन करना है, अगर मैं इतनी स्पीड में करूँगा ना, आपको भी पता है मेरी बाइक ना बहुत तेज़ आवाज़ करेगी, जो भाई मैं रिस्क नहीं लूँगा। आपको भी पता है गियर अगर मैंने डाउन किया ऐसे में, तो गियर बॉक्स बहुत तेज़ आवाज़ करेगा, बाइक झटका मारेगी, मेरे को एकदम झटका लगेगा, जिससे बाइक रुकने को कोशिश करेगी। तो हमको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले देखो, अब मेरे को गियर डाउन करना है, एक गियर डाउन करना है, मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो करूँगा, देखो 30 तक, फिर एक गियर डाउन करूँगा। अब देखो मैं छोड़ूंगा ना, बाइक बंद नहीं होगी, वैसे ही उठने लग जाएगी। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। अब सेम चीज़ अगर हमको दो गियर डाउन करने हैं, तो भाई मोस्टली आपको दूसरे गियर पे चलानी है, तो 20 की स्पीड तो कम से कम ले आओ। देखो अब एक और गियर डाउन करूँगा, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई। ठीक है, ये होता है गियर शिफ्टिंग। पर वहीं भाई अगर आप चौथे गियर में 20 की स्पीड से उठाओगे, फिर बाइक ढक ढक करके बंद होगी। देखो चार गियर डाल दिया भाई, देखो मैंने अब 20 की स्पीड से, अब देखो अब मैं उठाऊं ठक ठक ऐसे करके, ऐसे में बाइक बंद हो जाती है। आपको ये गलती नहीं करनी, स्पीड के हिसाब से गियर को शिफ्ट करना है। ठीक है, अगर आपकी बाइक 30 के स्पीड पे है, तो आप तीसरा गियर लगा लो, आराम से निकल जाएगी। दूसरा गियर डालना है तो मोस्टली आपकी बाइक 20 पे होनी ही होनी चाहिए, उसके बाद भाई आप थोड़ी सी रेस दे के उसको 25-30 तक ले जा सकते हो। पर दूसरा गियर डालना है जिसमें आपको लगे आपकी बाइक बंद ना हो, तो 20 पे कर दो। ठीक है, पहले गियर डालने की नौबत नहीं आती, अगर आ रही है तो फिर या तो आपकी बाइक बिल्कुल ही रुक जाएगी, या तो फिर आपको एकदम पुश चाहिए होगा, तो उस टाइम आपको 10 पे लानी पड़ेगी अपनी सुई, वरना बाइक एकदम से झटका मारती है घां करके। मैं आपको दिखाता हूँ भाई एक बार, हाँ मतलब मैं देखो आया, अब मैं यहाँ पे पहला गियर लगाऊं, देखो एक गियर डाउन किया मैंने, देखा आपने, ऐसे झटका मारती है बाइक। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि स्पीड के हिसाब से आपको गियर को भी सेट करना पड़ेगा। और भाई मान लो आप स्पीड में आ रहे हो और आपके सामने एकदम से कुछ आता है, तो आपने बाइक को स्लो कर लिया, उसके बाद भाई आपकी सुई 30 और 20 के बीच में आ गई, पर वहीं से आप बाइक को दोबारा घुमाने की कोशिश करोगे ना कि एकदम से आगे बढ़ जाए, नहीं जाएगी, वो चली भी जाएगी, पर वो कैसे जाएगी बताऊँ, खट 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 करते हुए। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जब कभी लगे आपकी बाइक 40 या 30 से नीचे आ गई है, आपको तुरंत गियर डाउन करना है। भले भाई आप एक करो, आप ज़्यादा गियर डाउन नहीं कर रहे, पर एक करो, बाइक ना थोड़ा तो कुछ पुश करेगी ना, चौथे से तो बेटर है ना तीसरा गियर, आप तीसरे गियर में लगाओ, उसके बाद देखोगे आप आपकी बाइक इजीली आगे को बढ़ने लग जाएगी। पर मेरा बोलना यही है, जब कभी आप हाई स्पीड से आते हो और अपनी बाइक को स्लो करते हो, मतलब किसी कारणवश या मोड़ आता है या फिर कुछ आ जाता है आगे, जिसके कारण आप अपनी बाइक को हल्का सा स्लो करते हो, मतलब 20-30 पे ले आते हो, तो आप अपने गियर को ज़रूर डाउन करो, जिसके बाद आपकी बाइक इजीली चली जाएगी। और भाई अगर ज़्यादा ही स्लो कर देते हो 20 पे ला के, तो एक और गियर डाउन कर दो, दूसरे गियर पे ले आओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी बाइक इजीली चली जाएगी। ठीक है, पर चौथे पे मत रहने दो, क्योंकि चौथे गियर से अगर आप 20 की स्पीड पे उठाओगे ना, नहीं उठेगी भाई, मोस्टली बाइक बंद ही होती है। कभी उठ भी जाएगी तो वो कैसे उठेगी आपको पता है, आपको फील होगा कि बाइक बंद होने के लिए जा रही है, खट 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 करते हुए ऐसे निकलेगी। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि गियर शिफ्टिंग का ज़रूर जानो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। अगर आप सोच रहे हो आप बिना इसके सीख जाओगे ना, नॉट पॉसिबल भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको इमिडिएटली गियर को डाउन करना पड़ेगा, फिर अप करना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोग फंस जाओगे। तो अपने गियर शिफ्टिंग के ऊपर भाई ज़रूर काम करो, स्पीड के हिसाब से गियर को डालना शुरू करो। और भाई डालता तो हर कोई लेता है, पर उतारने में भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि स्पीड के हिसाब से गियर को उतार नहीं पाते हैं,
तो इसीलिए मैंने आपको समझाया, जब कभी आपकी बाइक 30 या 20 के बीच नीचे आ जाए ना स्पीड में, तब आपको गियर डाउन करना ज़रूरी है। अगर आपकी बाइक 40 या 50 पे है फिर आपको ज़रूरी नहीं है भाई, विश्वास कर लो मेरा, जब आपकी बाइक 40-50 पे रहती है ना तब आपको ज़रूरत नहीं है, तब चौथे गियर में बहुत आसानी से उड़ जाती है बाइक। पर वहीं भाई अगर आप तीसरे पे, मतलब 30 पे या फिर 20 पे ले आते हो ना सुई को, उसके बाद चौथे में भी उड़ जाती है, बट वो ना स्पीड नहीं पकड़ती, खट खट करके उड़ती है, तो जो बेकार है भाई, आपको भी पता होगा, आपके साथ वाले एकदम से निकल जाते हैं और आप ठक 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 करते हुए बाइक निकलेगी और इसको भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको जब भी लगे आपकी बाइक डाउन हो गई है, स्पीड स्लो हो गई है, एक गियर को डाउन कर लो, उसके बाद आप फ़र्क खुद ही देख लोगे भाई। एक बार खुद भी एक्सपेरिमेंट करना, एक बार भाई 20-30 की स्पीड पे चौथे गियर में उठा के देखना और एक बार एक या फिर दो गियर डाउन करके उठा के देखना, आपको फ़र्क दिखेगा। और उसके बाद भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये चीज़ में आपको फ़र्क दिखा या नहीं, ठीक है भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या डाउट आ रहा, अगर हेल्प मिली सब कुछ भाई, ठीक है। और भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और भाई बहुत बड़ा वाला थैंक यू प्यार और सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच।